हेलो फ्रेंड्स, मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड्स जिसको भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, आत्मा, अनेक प्रकार के विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो भारत की प्रस्तावना थी इसको पूरे संविधान का आधार माना गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो अपन इनका वर्ड टू वर्ड इनका मीन्स देखेंगे और इसका मतलब क्या है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग जो इस संविधान का जो मेन प्रारूप यानी जो अंतिम शक्ति है संविधान की, वो किस में? भारत के लोग यानी भारत की जनता में निहित है। भारत के संविधान, संविधान की बात कही गई है, यानी जो भारत के संविधान की अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। नेक्स्ट, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है यानी कोई भी राष्ट्र जिसको कानून बनाने की शक्ति और वह अपने निर्णय आंतरिक बाह्य रूप से ले सके, यानी उस पर किसी दूसरे देश का उपनिवेशवाद ना हो, वह किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन कार्य ना करता हो, तो उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र संपन्न है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। समाजवादी का मतलब, जो समाजवादी की मूल धारणा थी वो 1955 में नेहरू के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो उसी विचारधारा के आधार पर इस शब्द को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब होता है यानी जो समाज समाज में व्याप्त कमजोर पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित है समाजवादी। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म से संबंधित है। ये राष्ट्र है वो बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है, तटस्थ है, यानी इसका खुद का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर देता है। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि शासन में जनता की भागीदारी, जो शासन होगा वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव ना होकर, सॉरी, वंशानुगत ना होकर उसको इलेक्टेड किया जाता हो, चुना जाता हो एक निश्चित अवधि के लिए, तो वो राष्ट्र गणराज्य कहलाता है। तो हमारा भारत है एक गणराज्य भी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, यानी हमारी संविधान में, हमारी प्रस्तावना में नागरिकों को तीन प्रकार की अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं, यानी उनको, यानी इनको, उनकी जो मेन भावना है उनको अपन तीन वार्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो न्याय प्रणाली, स्वतंत्रता और समानता। न्याय के अंतर्गत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता में प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। यानी उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा यानी डिग्निटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, सामाजिक यानी
सामाजिक न्याय जिसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या अन्य किसी आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की जो मूल धारणा है, मूल भावना तो संविधान प्रस्तावना में निर्धारित है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक रूप है वो आपको नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 39 के अंतर्गत, जिसमें आर्थिक न्याय की आदर्श भावना को स्वीकार किया गया है। यानी इसमें जो आर्थिक न्याय की मूल भावना है उसको बताया गया, यानी पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उत्पादन व वितरण के साधनों का केंद्रीकरण हो, यानी विकेंद्रीकरण की भावना होना चाहिए, सभी को समान रोजगार मिले, ये सारी भावनाएं आर्थिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत आपको मिलेगी राजनीतिक न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है, या वह किसी भी का चुनाव लड़ सकता है, तो ये राजनीतिक न्याय होते हैं। वयस्क मताधिकार, संवैधानिक उपचार द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करना, ये सारी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। और अपन स्वतंत्रता की बात करें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व्यक्तियों को प्रदान की गई है, यानी वह अपने विचार दे सकता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति भी अभिव्यक्ति होते हैं, दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करना। विश्वास, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये सारी उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की उसको समानता दी गई है, यानी व्यक्ति को अपने खुद की डिग्निटी और उसको अवसर कराने की, प्रत्येक को समान सिमिलरिटी रहेगी। अपन नेक्स्ट देखते हैं, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी उन सब में, इन सब में व्यक्ति की गरिमा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी व्यक्ति की जो डिग्निटी, उसकी जो गरिमा है वो एक आदर्श के रूप में होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी राष्ट्र को एक अखंड माना जाए, ये अखंडता शब्द है, यानी और अखंडता शब्द, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया हुआ है, मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। तो और अखंडता यानी भारत टुकड़ों में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक यूनिट, अखंड है भारत, एक अखंड है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, इट इज़ अ यूनियन, जिसको अपन यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत में संघ के लिए कौन सा शब्द लिया गया, राज्यों का संघ, तो भारत एक अखंड है, अखंड भारत सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, यानी विक्रमी संवत 2006 था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, अंगीकृत, अडॉप्टेड, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं, गिप्सी और सेल्फ, यानी संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था, यानी कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन मूल रूप से संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 को हुआ था, यानी भारत को पूर्ण रूप से कानून बनाने की शक्ति कब से मिली थी, 1950, यानी संविधान लागू होने के बाद वह पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न हो गया था। तो ये हमारी
भारत की प्रस्तावना है जिसमें लगभग 88 वर्ड्स शामिल किए गए हैं, इसको ध्यान रखना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, लाइक करना ना भूलें।